कहते हैं राजनीति में और रिश्तों में शब्दों की गरिमा बहुत मायने रखती है, लेकिन फिलहाल रामपुर की लोकसभा सीट पर ऐसे ऐसे शब्दों से बाढ़ हो रहे हैं शायद हर किसी को लगे कि अमर्यादित शब्द हैं और इन शब्दों का राजनीति में प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। और जो बयान आ रहे हैं वो बेहद निराशाजनक और शायद उसमें पूरे देश में रोष भी हो रहा है। जयप्रदा जी मेरे साथ हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामपुर से। मैम, पहला सवाल मैं ये कहूँगा आपसे कि जो हालात बने हैं रामपुर के अंदर, एक के बाद एक आपको उटपटांग बयान सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे शब्द जो शायद हम दोहरा भी नहीं सकते, कई बार लगता है कि राजनीति में आना और इस प्रकार के बयान सुनना अंदर से तोड़ता है आपको? देखिए, इलेक्शन या लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं तो ऐसे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं तो संविधान और लोकतंत्र को दर्जी उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात पर, और बार बार, मतलब ये एक बार गलती हो सकता है लेकिन बार बार नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को महिलाओं से नफरत है और महिलाओं को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम लोग पार्लियामेंट में जाके 33% रिजर्वेशन के लिए बहुत कुछ हम लोग भाषण देते हैं, प्रयास करते हैं वोटों का पारित करने के लिए, लेकिन आखिर महिला राजनीति में आने में अब से एक प्रश्न चिन्ह बनेगा, क्योंकि महिलाओं को दबाने के दबंग लोग जो होते हैं राजनीति में महिलाओं को ऊपर उठ के नहीं आने देंगे। तो इनके मानसिकता है इस तरह का, एक ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जनता को भी एक असमंजस स्थिति में लाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आज इस बयान के बाद लोगों में ये ठान लिया मन में कि ऐसे नेता को कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो इस बात पर मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि विमेन कमीशन को भी, कि उन्होंने एक मतलब एक्शन लिया और केस पुटअप किया है। मैं चुनाव आयोग से भी अपील करती हूँ कि ऐसे नेता को, जिस तरह का ये भाषा, जिस तरह की इस तरह का औरतों को टिप्पणी करने वाला इस तरह का कैंडिडेट को मतलब चुनाव लड़ने का हक नहीं बनना चाहिए। मैम, पूरे देश में समय आक्रोश इस बात को लेकर है कि एक के बाद एक आपके खिलाफ जो बयान दिए गए और जो कल बयान दिया गया वो बहुत ही गलत तरीके का बयान था, और शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा महिलाएं इस बात को लेकर एग्रेसिव भी हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि पूरा देश का जो समर्थन इस समय आपके साथ खड़ा हुआ है रामपुर में लोकसभा चुनाव में, वो भी आपको एक सपोर्ट देगा? बिल्कुल, पहले भी इसी स्थिति थी मेरी, उस समय पर मैं अकेली थी और जब मेरा अश्लील तस्वीर बना के ज़बरदस्ती प्रचार करा थे और लोगों के बीच में बंटवाया, उस समय पे भी, उस समय पे आंसू बहा रही थी मैं, तो वो ये आंसू नहीं है, खून के आंसू बहा रहे थे उस समय पे। लोगों ने वो भाव को के हमको अकेले इस जयप्रदा को चुनाव लड़ाया जनता ने, और जनता ने ये करके दिखाया कि जनता के सामने कोई ताकत बड़ा नहीं है। तो मुझे वही फिर से स्थिति बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ही ये चुनाव लड़ाएगी। आपने एक बयान मैंने आपका कहीं सुना था जिसमें आपने कहा कि रामपुर आती जब थी आप एक टाइम में, तो कई बार ऐसा लगता था कि मैं अकेली खड़ी हूँ रामपुर में, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, और फिर आप जनता से जुड़ाव करती चली गई, पब्लिक आपके साथ आती चली गई। उस ज़माने का रामपुर और इस ज़माने का रामपुर, जब आप भीड़ अपने साथ देखते हैं, लोग अपने साथ देखते हैं, तो कितना अंतर पाती है? और ख़ासकर शब्दों जो आपके लगातार पहले भी बयानबाज आपके खिलाफ होती रहती थी और अब भी हो रही। देखिए, रामपुर वही जयप्रदा, वही रामपुर, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही धरती। तो लेकिन नेता बदल गया, नेताओं की नीयत बदल गई, पार्टी बदल गई, तो बहुत अंतर है। तो इस पार्टी में मैं बहुत सुरक्षित हूँ, उस पार्टी में मुझे पता नहीं है किस तरफ से कहाँ क्या हमला होगा। वो भयानक माहौल में मैं जीती थी और इस माहौल में मैं सुरक्षित हूँ। लोगों में आक्रोश है, एक बहन या बेटी, हर बेटी के रूप में, हर बहन के रूप में ये लोग मुझे देखते हैं। ये सोच रहे हैं कि उनके अपने परिवार के सदस्य में ये सब हो रहा है, तो जनता चुप नहीं रहेगी। आपको लगता है कि राजनीति और बॉलीवुड दोनों में आप किरदार निभाती थी, और यहाँ जब असल ज़िंदगी में आप आके ऐसे लोगों से रूबरू होती हैं जो कई बार आपको बहुत गलत बोल जाते हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, तो उस समय लगता है कि अब क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे पब्लिक के बीच में ट्रीट होना चाहिए, और ऐसे जवाब ऐसे सवालों के जवाब मैं कैसे दूँ, कैसे पब्लिकली बोलूँ? देखिए, राजनीति में आने के बाद
राजनीति हो या फिल्म हो, दोनों मेरे जीवन जनता से जुड़ी हुई है। और फिल्मों में मैं लोग मुझे सराह का प्यार किया, जो किरदार मैं निभाती थी लोग बहुत प्यार करते थे। जब मैं राजनीति में आई तो मैंने जहाँ जहाँ पे जो जो काम किया वो भी स्वीकारा, और जब जब मैं चुनाव लड़ी अपने पलकों पे बिठा के मुझे जिताया। तो रील और रियल में बहुत अंतर है। रील में हम कैरेक्टर को सोसाइटी से निकालते हैं, उस किरदार को निभाते हैं। रियल में ज़मीन से जुड़ी हुई लोगों की तकलीफ़ को देखते हैं। मैं जब फिल्मों में काम करती थी तो मैं टीवी में देखती थी कि गरीबी क्या होता है, मुझे तब कुछ भी मालूम नहीं है कि गरीबी में कितने दुख है। जब मैं रामपुर आने के बाद उन गरीब लोगों को बीच में जाती थी तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत दुख भरी कहानी है, इनको साथ देना है। उसी वजह से मुझे मेरे जीवन का एक बदलाव लाया है। रामपुर की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि रामपुर में नौकरियां बहुत कम हुई, पिछले दिनों से विकास भी उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। जो रामपुरी चाकू उद्योग है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, इसको लेकर भी आप बात कर रही हैं। गरीबों के बिजली के बिल की भी आपने मुद्दा उठाया। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको अब आपको छूना है। कितने तैयार हैं आप? देखिए, पल पर समस्याएँ उठेंगे, उसको समाधान देना एक नेता चुनने के बाद तो उनका एक प्रथम कर्तव्य होता है, एक लक्ष्य होता है, तो उसको हम लोगों को सामना करना होगा। बहुत जटिल समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि रामपुर में कोई समस्या नहीं है, सब खुशहाल है, ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम लोगों को फेस करना, तो या तो मुझे आज़म खान से लड़ना है या मुझे समस्या से लड़ना है। तो समस्याओं को अगर समाप्त करना तो आज़म से लड़ना ही है। तो मुझे सामने सब कुछ एक ऐसे माहौल है कि मुझे लड़ते लड़ते शायद कितने लंबा समय होगा ये भगवान ही जाने। अभी 23 तारीख दूर है और ऐसे में कई सारी रैलियाँ, पब्लिक मीटिंग आपकी होंगी, आज़म खां की भी होंगी, और इस प्रकार के बयान आपको शायद और भी सुनने पड़ सकते हैं जिस तरीके से वो लगातार बोलते आ रहे हैं। आपको लगता है कि इसके लिए आप प्रिपेयर हो गई हैं जैसे वो बयान दे रहे हैं? देखिए, आज़म खां अभी डर गया, बौखला गया, इसीलिए वो मायावती जी को भी गाली दे रहा है, मुलायम सिंह जी को गाली दे रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, जयप्रदा को भी गाली दे रहा है। वो किसी को छोड़ नहीं रहे, तो अपने हालात पे छोड़ देंगे उनको। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साफ है कि फिलहाल रामपुर के अंदर जयप्रदा जा रही हैं, लगातार पब्लिक मीटिंग कर रही हैं, लेकिन हाँ, आज़म खां के बयान के बाद निश्चित तौर पे जो हालात बने हैं, ऐसे में लगातार कोशिश जयप्रदा की है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के माहौल को और न बढ़ाया जाए। कैमरामैन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 रामपुर, उत्तर प्रदेश।